बाय बाय। हाय एवरीवन, और आज के नए दिन में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अभी सुबह के लगभग 4 बजने जा रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड रिसीव करने हमारा ब्रेकफास्ट आलू की सब्जी और पूरी। तो हमने अभी नहा लिया है और फ्रेश हो गए हैं। आज बहुत ही गर्मी है, धूप है, फिर भी इस गर्मी में अभी हम खाना खाएंगे। आज का हमारा लंच है दाल चावल और आलू बड़ी की सब्जी। ये गर्मी में मौसम थोड़ा सुहाना हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अभी थोड़ी आराम लग रहा है बहुत। ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखा था अभी रांची में। देखते हैं, बारिश होने की संभावना तो लग रही है, होप सो बारिश हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद लगातार होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर गर्मी बढ़ जाएगा। तो आज ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, इसलिए थोड़ा सा रिविज़न में टाइम चला गया। तो अभी हम लोग डिनर करने के लिए बैठ रहे हैं, और आज का हमारा डिनर है लौकी चना दाल का सब्जी और ये चपाती। तो हमने अपना आज का डिनर कर लिया है, और आज के दिन को हम यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एवरीवन, और आज के नए दिन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम लिखने, बाकी सबको भेज दिया है, तो मेरा नज़दीक ऐसे मैं थोड़ा लेट से निकल रहा हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। एग्ज़ाम था इसलिए आज हम लोग का खाना है दाल चावल, फूलगोभी आलू सब्जी, पत्ता गोभी आलू का भुजिया, पापड़, मिर्चा अचार और आमलेट। तो अभी हम घर आए हुए हैं, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम सेंटर 10 मिनट की दूरी पर है, तो हम सोचे घर ही आ जाते हैं, क्योंकि अगला पेपर जो है हम लोग का 2:30 से स्टार्ट होगा, तो 2:20 लास्ट एंट्री है। तो इसलिए हम घर आ गए, होटल में खाना खा लिए, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा नहा भी लेंगे, बहुत गर्मी है, जैसे देख रहे पसीना पसीना हो रहा है। फिर आपसे एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। हमारा एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म, और हम अपने घर आ चुके हैं। जैसे कि बताया था सेंटर नज़दीक था, इसलिए हम तुरंत आ गए। और हमारा मौसम हो चुका है बादल बादल, बारिश होने की संभावना लग रही है, पर मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है। स्वागत है। तो आज हम अपना व्लॉग ब्रेकफास्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट है ये सांभर चटनी टमाटो वाली, और ये नारियल वाली, और ये हमारा इडली, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। तो अभी हम रेडी होकर जा रहे हैं, एक भैया का शादी है तो उस पर जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट है लेकिन हम पहुँच जाएंगे। तो अभी चलते हैं। अभी हम लोग चर्च पहुंच चुके हैं, चर्च शादी हो रहा था, अंदर थोड़ा सा बोर लग रहा था इसमें बाहर आए हुए हैं। और यहाँ ये गाड़ी सज रहा है, और शादी देखिए यहाँ है अतीत भैया का, अतीत संग आयरिश भाभी जी हमारी, और ये हमारे दुल्हा गाड़ी का ड्राइवर बॉडी बिल्डर भैया, सॉरी मेरा क्या मामा, हमारा मामा, उम्र में छोटा पर मामा, रिश्ते में बड़ा। और ये हम इसका भगला भतीजा जो भी बोलेंगे। अतीत और आयरिश के लिए उनके विवाह के परस्पर प्रतिज्ञा और जीवन का भाभी, ये हमारे भैया भाभी जी करते रहिए। हाँ चलो, तो ब्लॉग बना रहा है, अभी शादी हो गया, इधर देखो ब्लॉग बना रहा है, अब बहुत खूबसूरत दिख रहे थे।
चलो थैंक यू तुमको भी आने के लिए। और ये हमारी बहन हाँ हम ही है वो हाय एवरीवन, और आज के नए दिन में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं, तभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। आज का हमारा ब्रेकफास्ट है ब्रेड ऑमलेट, और ब्रेड के ऊपर मायनीज और सॉस लगा हुआ है, और हमारा जूस पोमोग्रेनेट जूस यानी अनार का जूस ट्रॉपिकाना का। तो हमने अभी नहा लिया है, और हो सकता है कि आज हम डाल्टनगंज के लिए निकले, क्योंकि हमारा टिकट कंफर्म नहीं है। अगर कंफर्म हो जाता है तो हम भी बहन लोग के साथ डाल्टनगंज के लिए निकले, अगर नहीं होता है तो फिर आप हमको यहीं पर देखिएगा। तो अभी हम पैकिंग कर रहे हैं कपड़े एक दिन के लिए, लैपटॉप, फिर बस वही कपड़े सब हैं, यही पैक होंगे। आज का हमारा लंच है ये पानी भात यानी पानी चावल, अचार, प्याज, और ये हमारा चोखा, टमाटर आलू का चोखा। तो ये गर्मी का हमारा नेचुरल उपाय है जो गांव सब में सब यही खाते हैं, तो आज हम यही खा रहे हैं। तो हमारा टिकट हो चुका है कंफर्म, तो अभी हम निकल रहे हैं डाल्टनगंज के लिए मम्मी के पास, वहाँ भी कुछ प्रोग्राम है, एक दो दिन रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे। चलिए चलते हैं। मेरी बहन लोग सब कोई प्लेटफॉर्म पहुंच चुके हैं, अब बस ट्रेन पकड़ना है, यहाँ से चलते बनना है। गोइंग फॉर ट्रिप डाल्टनगंज। ये तीनों को मिल गया। तो अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, यहाँ से ट्रेन खुलेगी 5 बजे। ये टाइम है 5 बजे, 5 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बहन लोग का सीट आगे है, मिलते हैं आपसे डालते हैं। अनाया तुम भी आओ। अनाया अनाया देखो भैया व्लॉग बना रहा है। कहाँ तुम लोग निकल रही है इधर? पार्किंग पार्किंग में तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डाल्टनगंज, सब पार्किंग में वेट कर रहे हैं। ये सर सर यहाँ भाई लोग सब इंतजार करते हुए तब पहुंच चुके हैं हम लोग डाल्टनगंज। तो ये हमारा घर, पहुंच चुके हैं। रोटी बन रहा, रोटी है। आज का हमारा डिनर क्या कह सब्जी होमी? कच्चू अरबी का सब्जी, अचार, प्याज, चपाती, मम्मी पापा और ये
नौटंकी। और ये हम दिखा दिए। और ये माल्टा और आम आफ्टर डिनर। तो अभी हम डिनर कर चुके हैं और थक गए हैं, तो अभी हम रेस्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल। तब तक मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एवरीवन, और आज के नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम सुबह सुबह नहा चुके हैं और डाल्टनगंज में हैं, और डाल्टनगंज में बहुत ही गर्मी है। सुबह 6:30 बजे से यहाँ गर्मी पता चल रहा है, तो इसलिए हम नहा लिए हैं, नाश्ता बन चुका है, तो अभी जाते हैं नाश्ता खाने। आज का ब्रेकफास्ट हम लोग का है ये दाल फ्राई, और रोटी बन चुका है। मेला मामा है, हम मामा को प्रणाम करो। मेला मामा, मामा चॉकलेट देंगे? मामा चॉकलेट देता है। मेला मामा है। अले मोती को नहीं तो लेगी, सब सब घुस दे रही है तुमको। हाँ, मेरे साथ बाबा रे बाबा, मौची को देखो, मौची पूरा घुस दे रही है तुमको। खोल दे रहे हैं। मौसी मौसी करो, प्रणाम 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 प्रणाम। शादी वाला पार्टी में, तो उनका रिसेप्शन है, तो गांव में है, तो गांव आए हुए हैं। ये यहाँ बहुत गर्मी है अभी। यीशु सा है, बैठ जाओ इधर से। यीशु सा बधाई हो, फिर से यीशु सा बधाई हो। यीशु सा है। मैं अनिल कर बड़का बेटा, अनिल कर बड़का बेटा तो है। हाँ मोए समीर, हाँ मोके
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नाना के घर। तो यहाँ खेती बाड़ी हो रहा है। ये हमारा खजूर नाना जी का। पानी तो लो नहीं निकाली। तो अभी हम लोग नाना के यहाँ आए हुए हैं। नाना का थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा सा कमजोरी लग रहा है, तो उनको भी ले जाएंगे अभी मम्मी के पास। तो अभी निकलेंगे हम लोग थोड़ा देर में यहाँ से। और ये है गांव के नज़ारे। और मैं अभी पानी भर रहा हूँ ड्राम से बाल्टी पे। तो ये है हमारे नाना जी का घर। ये भी एक कमरा है, इधर भी एक कमरा है, उधर भी एक कमरा है, ये भी कमरा है। ये वरांडा है ओपन स्काई। और इधर भी एक कमरा है अंदर, जो ये रूम जो है वो ठंडा रहता है हमेशा। मिट्टी के घर, गांव की वाइब्स। ये बांस, बैम्बूज। और इधर है हमारा कुआं। पानी अभी थोड़ा कम हो चुका है कुआं। ये चपाकल जो अब चलता नहीं है। और ये कभी पहले जब छोटा हुआ करते थे तब यहाँ पानी जमा हुआ करता था, जमा करके फिर खेतों में पटाते थे पानी। ये तो हमारे खजूर ऑर्गेनिक। ये घर की मुखिया बनना चाहेगी, घर के नहीं गांव के। कुछ काम है नहीं, पानी छिड़काना है बस। और ये देखे नाना का आम। और ये चीकू, पिछली बार आया था तो अंधकार था इसलिए नहीं दिखाया था आप लोगों को। इधर आम, ये भी, फिर यहाँ कटहल। तो ये है ऐसा नज़ारा हमारे नाना जी के घर का। और ये हम आपको दिखाते हैं अब यहाँ से पहाड़। ये देखिए कुछ दूर में पहाड़। कुछ अपने नाना घर का आम और कटहल यानी जैक फ्रूट एंड मैंगोस ये खाएंगे हम लोग इसका आम छोरा बना के। स्टार्ट किया है क्योंकि हम कल थक चुके थे और सो गए थे। तो आज के नए दिन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अभी हम लंच करने बैठ रहे हैं, तो चलिए लंच खाते हैं। आज का हमारा लंच पानी भात, अचार, प्याज, नमक मिर्चा। चलो यीशु सा है, चलिए नाना यीशु सा है, फिर मिलेंगे। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं रांची के लिए सब कोई। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग एक स्टॉप में रुके हुए हैं, एक स्टॉपेज लिए हैं। हमारे नानी दादी ऐसे कुछ लगते हैं, मामा, सब रिश्तेदार लोग हैं। और यहाँ कुआं जंगल के बीच में है ये घर। मैं
साइकिल वाला पानी निकालने वाला। यहाँ पर से पानी ढलाता है ये वाला, उसके बाद यहाँ से पानी यहाँ जमा होता है, तो यहाँ से नल खराब है अभी। छह महीना के लिए घर, और हमने अपना डिनर भी कर लिया है, नहा धोवा भी लिए हैं, और ये देखिए कपड़े भी सारे धो लिए हैं रात में, और अब थक चुके हैं तो आराम करने जाएंगे। इसलिए अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तब तक मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।